नमस्कार दोस्तों, न्यू लाइफ क्लासेस में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। जीके के डेली डोज की आज प्रैक्टिस सेट 2 है, जिसमें आज हम विश्व के पर्वत पठार और मैदानों के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। विश्व में जितने भी महत्वपूर्ण पर्वत पठार मैदान हैं, स्थल हैं, ठीक है, मैदानों से क्वेश्चन बनते हैं। तो न्यू लाइफ क्लासेस के साथ आप जुड़ करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। रोजाना शाम 7 बजे आपको जीके और जीएस की प्रैक्टिस कराई जाती है, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एसएससी, रेलवे, पुलिस और कोई भी आप डिफेंस सर्विस की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन सारे परीक्षाओं के लिए यह उपयोगी साबित होगा। आप न्यू लाइफ क्लासेस सर्च करके प्लेलिस्ट में जा करके एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री, साथ ही साथ इंडियन जियोग्राफी, स्टैटिक जीके, कोई भी आप प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे वीडियो अपलोड हैं पहले से ही, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार है? तो स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 26% ऐसा भाग है जिस पर पर्वतों का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्थलों में की जाती है? यह द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत की जाती है पर्वतों की गणना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या पर्वतों पर निवास करती है? विश्व की लगभग 1% जनसंख्या जो है वह पर्वतों पर निवास करती है, ठीक है। रेडियो सक्रियता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? जॉली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो सक्रियता का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो जॉली ने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया था और यह सिद्धांत संबंधित है पर्वतों की उत्पत्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वत निर्माणक भू संतति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? 30 मिलियन वर्ष पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है? नवीनतम पर्वतमाला है यूराल, ठीक है। हमारा हिमालय जो पर्वत है वह भी नवीनतम पर्वतमाला का ही एक उदाहरण है। हिमालय पर्वत किसके अंतर्गत आता है? नवीन वलित पर्वत के अंतर्गत आता है। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस भू संतत से हुई? टेसिस के अंतर्गत हुई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी आल्टस पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? दक्षिणी आल्टस पर्वत श्रेणी न्यूजीलैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजनक के रूप में जाना जाता है? तो वह है रॉकीज। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला सबसे लंबी पर्वतमाला है। एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो एंडीज पर्वतमाला जो कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वह है एकांकागुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में है? माउंट एवरेस्ट जो कि हिमालय पर स्थित है, यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और यह नेपाल में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट मैकिनले। अगला क्वेश्चन है, स्थल मंडल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार पाए जाते हैं? 33% पठार पाए जाते हैं स्थल मंडल के भाग, ठीक है। स्थल मंडल के 33% भाग पर पठार पाए जाते हैं। विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या पठारों पर निवास करती है? 9% जनसंख्या। जो पठार चारों ओर से पर्वतमाला से घिरे होते हैं वह क्या कहलाते हैं? उसको अंतरा पर्वतीय पठार कहते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? वह तिब्बत का पठार है। पोटवार पठार किस देश में है? पाकिस्तान में। लोयस पठार कहाँ है? लोयस पठार जो है वह चाइना में, चीन में है लोयस पठार। तिब्बत का पठार कहाँ स्थित है? तिब्बत का पठार है हिमालय पर्वत और क्यूनलून पर्वत के बीच में। किस पठार को दुनिया की छत कहा जाता है? पामीर का पठार। पामीर का पठार दुनिया का छत कहा जाता है। किस पठार से टिन धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है? बोलीविया का पठार जो है वहाँ से टिन धातु का बहुत अधिक उत्खनन किया जाता है। वहाँ से टिन धातु की बहुत अधिक खनन किया जाता है, वहाँ से टिन धातु की प्राप्ति होती है। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर मैदान है? तो स्थल मंडल में 41% भाग ऐसा है जहाँ पर मैदान पाए जाते हैं, ठीक है। विश्व में फसलों और खाद्य और वस्तुओं को कितने प्रतिशत भाग मैदानों में उगाया जाता है? 85%। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग मैदानों में निवास करता है?
90% भाग जनसंख्या मैदानों में ही निवास करती है, क्योंकि वहीं पर खेती हो सकता है, ठीक है, और खेती से ही हमको खाद्यान्न की प्राप्ति हो सकती है, ठीक है। तो 90% जनसंख्या जो है मैदानों में ही निवास करती है। सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? पहाड़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर पश्चिमी चीन का मैदान किस प्रकार से बना है? रेत और धूल कणों के जमाव से। संप्राय मैदान का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? नदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेडी प्लेन मैदान का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? पवनों के द्वारा। ड्रेकेंसबर्ग पर्वत कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में। यह अफ्रीका महाद्वीप में सबसे दक्षिण में पड़ता है, ड्रेकेंसबर्ग पर्वत, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। मैदान की गणना किस श्रेणी के स्थलों में की जाती है? द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत। ब्लैक हिल पहाड़ी किस देश में है? ब्लैक हिल पहाड़ी जो है बहुत ही प्रसिद्ध है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में है, उत्तरी महाद्वीप में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। पिरनीज पर्वत किस देशों के मध्य स्थित है? फ्रांस और स्पेन के मध्य में पिरनीज पर्वत पाया जाता है। विंध्य पठार कहाँ पर स्थित है? भारत में। मैसूरी का पठार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैसूरी का पठार कहाँ है? यह अमेरिका में है। मेसोटा का पठार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह है स्पेन और पुर्तगाल के बीच में। मेसोटा का पठार स्पेन और पुर्तगाल के बीच में पाया जाता है। काष्ट मैदानों में यत्र तत्र स्थित अवशिष्ट टीलों को क्या कहा जाता है? इसे ह्यूंस कहा जाता है। रांची का पट पठार क्या है? यह एक प्रकार का उत्कृष्ट पेनी प्लेन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा पठार है। टेलीग्राफिक पठार कहाँ स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। उत्तरी अटलांटिक महासागर में टेलीग्राफिक पठार स्थित है। तो यह सारे क्वेश्चन पर्वत, पठार और मैदानों से संबंधित रहे, ठीक है, जो कि हमारा प्रैक्टिस सेट 2 था। प्रैक्टिस सेट 3 के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर रोज़ाना आपको जीके से अपडेट रखा जाता है, जो कि साथ ही साथ आपको स्टैटिक जीके का भी पोर्शन कराया जा रहा है, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, साथ ही साथ मैथमेटिक्स के भी आपको क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो प्लीज़ न्यू लाइव क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।